बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन की कोई डेफिनेशन याद है किसी को? नहीं याद। अच्छा चलें, मैं आपको जी क्या सेट ऑफ टू रेशो नहीं कहोगे, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। प्रोपोर्शन जो थी ना वो ये थी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये प्रोपोर्शन थी। ये एक्चुअली क्या होती है, ए रेशो बी किसके बराबर है, ए ओवर बी, और ये इक्वालिटी C ओवर D। ये तो है प्रोपोर्शन। ये अपने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ थ्री क्वांटिटीज A B C आर रिलेटेड एज A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, देन C इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। ये जो हमारी रेशो थी उसमें और इसमें कोई फर्क बता सकते हैं क्या? जो रेशो है उसको अगर बड़े गौर से देखें तो वहाँ थ्री क्वांटिटीज नहीं है बल्कि फोर क्वांटिटीज हैं, और ऑल ऑफ फोर क्वांटिटीज आर डिफरेंट, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। बट हेयर व्हाट हैपन्स, हेयर वी हैव थ्री क्वांटिटीज और थ्री क्वांटिटीज में से दो सेम हैं। इस तरह अगर गौर से देखें, ए रेशो बी, यहाँ बी है और आगे भी बी है। ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशो सी, तो इसमें दो क्वांटिटी सेम हैं दरमियान वाली। आपको याद है इसमें जब जो प्रोपोर्शन था इसमें इनको हम क्या कहते थे, मीन्स, और इनको क्या कहते थे, एक्सट्रीम्स। बोल गए, जो प्रोपोर्शन है इसमें ये मीन्स हैं और ये जो हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। और वहाँ क्या कुलिया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ भी बेसिकली ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ मीन्स सेम होंगे, एक्सट्रीम्स डिफरेंट होंगे और मीन्स सेम होंगे। क्या डिफरेंस आया, समझ आ गई आपको? ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी हो तो सी क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज। इसमें थ्री क्वांटिटीज होंगी और इस तरह रिलेटेड होंगी, यानी ज़रूरी है कि जो मीन्स हैं वो सेम हों, और ये वाली जो होगी क्वांटिटी ये थर्ड को आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। जी क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर वन, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो थर्ड प्रोपोर्शन, अब क्वांटिटीज आपको दो दी हुई हैं और तीसरी आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास एक्चुअली सिचुएशन क्या है, x प्लस वाई रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड रेशो सी। थर्ड प्रोपोर्शन की जब बात होती है तो क्या होती है, दो मीन्स सेम होंगे, दो मीन सेम होंगे, वो हमने कर लिए। वो कौन से हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है जो कि सी है। अब किस तरह हो सकता है इसकी, क्या क्या कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़रा जो है बताएं, सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, वो करने की बजाय पता क्या किया करें, मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, याद है? तो आप ये लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जी बताइएगा मीन्स कौन से हैं, ये दो, इनकी प्रोडक्ट इसकी इक्वल आएगी, जो आप बता रहे हैं ना उससे ज्यादा ये आसान है।
आप ये कह रहे हैं दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन। तो मैंने एक और काम देखे, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स मैंने क्यों इधर रखा है? आप सॉल्व कर सकते थे कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम भी लिख सकते थे। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स मैंने इसलिए पहले लिखा है कि जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स में आनी है। वो कहाँ पड़ी हुई है? सी यहाँ पड़ी हुई है ना, ये मालूम करना है ये कहाँ पड़ा हुआ है। एक्सट्रीम में पड़ा हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, और किस में पड़ा हुआ है? एक्सट्रीम में। तो इन दोनों की मैं अगर प्रोडक्ट लूँगा तो चूंकि वैल्यू जिसकी मालूम करनी है आमतौर पे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो वैल्यू आसानी से मालूम हो जाती है, स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब मीन्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आप देखते हैं एक चीज़, अगर आप कुछ गैस करें तो यहाँ क्या आता है, इसके फैक्टर्स बनते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये x प्लस वाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकती है, इसको दोबारा इसके फैक्टर्स बनाएं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो भी कर सकते हैं आप। ये आ गया x माइनस वाई, इसके फैक्टर्स बने x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? x माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई, और c हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। दिस वॉज द रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल, जो कि इस हालत में भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम हो गया है, फर्दर भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इफ फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशन में वो ये है, सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसमें कितनी क्वांटिटीज आ रही होती हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल में कितनी क्वांटिटीज हैं? थ्री, और एक और भी है दरमियान वाले जो जो मीन्स हैं वो सेम है, और फोर्थ प्रोपोर्शनल में फोर हैं, और फोर चार की चार की हैं डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं। तो ये तो फोर्थ प्रोपोर्शनल डेफिनेशन होगी। If the four quantities A, B, C, D are related such that A ratio B proportion C ratio D, then D is called the third, fourth proportional. अब इसी सिलसिले में एक example करते हैं। Find the fourth proportional of A cube minus B cube, A plus B and A square plus AB plus B square. यहाँ एक problem है कि AB involved हो गए हैं, तो हम जो fourth proportion है उसे x, y से denote कर देते हैं, उसे हम डी से डिनोट नहीं करते, ठीक है, क्यों जी? ये तो सॉल्यूशन में अगर आप ये लिखते हैं इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल जी, फिर मुझे बताएं क्या होगा, बता सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यूब रेशो ए प्लस बी प्रोपोर्शन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो एक्स, यही आएगा कि नहीं? फोर्थ प्रोपोर्शन का ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी तो होना चाहिए, आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा कोई, आप ऊंची बोल के जवाब दें ना, बोले ऐसे ही करना है, नेक्स्ट कैसे करेंगे, आगे क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये है, यहां से फिर क्या इंप्लाई होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज एक्स इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये बात समझ आई कि नहीं आई?
आपके जहन में ये है कि आपने ये करना है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, तब भी करेंगे तो यही आएगा, लेकिन ये ज़्यादा इट्स बेटर जब आपको प्रपोर्शन में से कोई चीज़ फाइंड करनी हो, दैट्स बेटर कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर आप में से मीन्स की कोई चीज़ मालूम करनी होती है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखते। अब क्या आपके जहन में आता है नेक्स्ट स्टेप? कुछ आपके जहन में भी तो आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये आते हैं, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कोई फार्मूला खुलता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। इधर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना था वो आ गया ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? थर्ड प्रोपोर्शनल एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, और दो एग्जांपल साबित की हैं, सॉल्व की हैं, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड किए। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपसे करवाने हैं, थोड़ा जब आप नोट्स बना रहे हैं तो थोड़े से मार्जिन लेफ्ट और राइट से छोड़ दिया करें ताकि लाइन्स लगा सकें आप। जी, नेक्स्ट हमारे पास है मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। क्या इसमें रिजेंबलेंस है विद द थर्ड प्रोपोर्शनल? जी नहीं, बी नहीं। चलो नहीं नहीं, रिजेंबलेंस ये है बेटा कि एक तो थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन में भी थ्री क्वांटिटीज का जिक्र था, एक बात। दूसरा उसमें भी यही फॉर्मेट था, ए रेशो बी रेशो बी, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, इसी तरह की चीज़ थी। इसमें सी क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है, और बी क्या है? मीन प्रोपोर्शनल। समझ आ गई बात? थर्ड प्रोपोर्शनल की जब डेफिनेशन करेंगे तो डाटा यही लिखेंगे, सी को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल है, और मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन लिखेंगे डाटा यही ऐसे ही लिखेंगे, और दरमियान वाला जो है उसे कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अब इसका हमने मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है, तो आप अगर एम मीन प्रोपोर्शनल सपोज कर लेते हैं, लेट एम बी द मीन प्रोपोर्शनल, देन फिर क्या होगा? 9 पी सिक्स क्यू फोर रेशो एम प्रोपोर्शन एम रेशो आर 8। क्या ये समझ आई भला? ये मालूम करना ना, मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना, उसको दरमियान में रख लेना सेम, ठीक है। अब आपने क्या करना है? एम मालूम करना है, तो क्या क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ऊंची बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इसलिए लिखेंगे पहले के वो मालूम करना है, तो आप यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा? एम इंटू एम। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम्स क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को 9 पी सिक्स क्यू फोर आर 8। यहाँ क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पी सिक्स क्यू फोर आर 8। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे तो फिर क्या आ जाएगा? चलिए अभी एम स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये वैसे किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? पी सिक्स जो है,
वो पी क्यूब का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आर की पावर फोर का स्क्वायर। हम इसे यूं लिख दें एम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री पी क्यूब क्यू स्क्वायर आर फोर होल स्क्वायर। ये समझ आ गई आपको, सबके ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो इकट्ठा कर दिया। अब जब आप स्क्वायर रूल लेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, ये आप भूल जाते हैं, m की वैल्यू प्लस माइनस आनी है और स्क्वायर रूल उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा थ्री पी क्यू क्यू स्क्वायर एंड आर फोर। दिस इज योर रिक्वायर्ड मीन इन दिस प्रॉब्लम। जी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी देन ए बी एंड सी आर कॉल्ड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। देखें आज जो हमने अभी तक तीन डेफिनेशन पढ़ी है, पहली डेफिनेशन कौन सी थी, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में किन क्वांटिटीज का जिक्र हुआ था, ए बी सी, और वो इसी तरह से रिलेटेड थी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, थर्ड जो प्रोपोर्शनल थी उसमें भी। फिर मीन प्रोपोर्शनल में भी यही कुछ था, थ्री क्वांटिटीज थी और इसी तरह रिलेटेड थी। और ये कौन सा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसमें भी तीन क्वांटिटीज हैं और एक ही तरह से रिलेटेड है। कंटिन्यूड इसलिए कहते हैं कि ये रेशो जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से अगली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आए तो डेफिनेशन तकरीबन एक जैसी है, और इनमें क्वांटिटीज भी थ्री यूज होनी है। और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो फिर उसमें चार क्वांटिटीज आनी है ए बी सी डी, और उसमें कोई सेम फिर आएगी भी नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है फाइंड पी इफ 12 पी एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सोल्यूशन ज़रा देखें, आप यहाँ पे यही लिखेंगे सिंस 12 पी एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो क्या होगा भला, 12 रेशो पी प्रोपोर्शन पी रेशो 3, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने अब वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर करते हैं तो पी इंटू पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करते हैं तो 12 इंटू 3, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर, वो आ जाएगा 36, और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6। ये आंसर था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चार डेफिनेशंस पढ़ी हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद कौन सी थी फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिर कौन सी थी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से पहले क्या था मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इन चारों डेफिनेशन से जो एग्जांपल्स जो एक एक दी थी समझाने के लिए वो भी हमने सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।